हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्शन डे पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, आपके लिए ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा किसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या रहने वाला, पूरी चीज़ आपको बताऊंगा अच्छे से। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसमें आप लोगों का ही भला है, बाकी आप सब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो आई थिंक और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, तो आप मैंने बोल रखा है जैसे 18 को एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ रहूँगा। और राकेश सर ने इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सेशन स्टार्ट किया है, तो वो भी धीरे धीरे उस चीज़ को लगेंगे। अब आप लोग उस तरह के कमेंट मत करने लग जाना उसमें कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा था लाइव में, मैं भी था उस टाइम देख रहा था कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें भी आते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे। तो भाई खुद बना के डाल लो ना, इसमें बड़ी बात क्या है भाई। अब क्वेश्चन अब घर से थोड़ी ना लाऊंगा, सीरीज मोटर है, बूस्टर इतना काम करेगी, करेगा भाई सीरीज जनरेटर। अब उसमें ये थोड़ी ना कि उसको नया कुछ प्रिंसिपल दे दूंगा। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़े मैच्योर इंसान बनो और इस तरह के कमेंट मत किया करो। तो बाकी अगर नहीं पसंद तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैंने राकेश सर को बोल दिया था कि इस तरह की चीज़ें मत करो, लोगों को पसंद नहीं आती ये चीज़ें। तो चलो वो छोड़ो टॉपिक, और उसमें रियलिटी में टाइम ही वेस्ट होता है। आप ऑलरेडी समझ सकते हो उस चीज़ को बनाना, सेलेक्ट करना क्वेश्चन और ये लफड़े वफड़े आप समझ सकते हो। सोचा था थोड़ा अच्छा हो, पहले आप लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। चलो अब जो देखिए आप लोगों के काम की चीज़ है वो ये है आरआरबी जेई जो फीस रिफंड का। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप चाहो तो डायरेक्ट आपकी कोई सी भी आरआरबी को ओपन करोगे, वहाँ पे 03/2018 वाले कॉलम पे जाना, जैसे बहुत सारे पेज होंगे उसमें जाके 03/2018 वाले पे जाना, वहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आपको फीस रिफंड का मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। वरना मैं क्या करूँगा, इसका लिंक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से आप सीधा लिंक पे ओपन करोगे आपके ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको देखना है, लास्ट जुलाई 31 जुलाई यानी 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट, उससे पहले ही आपको करना है। अब उसमें जैसे आप लॉगिन करोगे ना जो लिंक पे, वहाँ से ये पेज ओपन होगा। यहाँ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पार्शियल रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फीस अगेंस्ट CEN नंबर 03/2018 JEE JET IED DMS CMA जो भी इनका जो था वो सब चीज़ें 31 जुलाई फर्स्ट लास्ट है। अब देखिए इसमें यहाँ इनकी नोटंकी, ऑलरेडी आपको पता है रेलवे जेई जो हुआ था एक नंबर का फर्जी एग्जाम था, फुल ऑफ फर्जी। आपने इतने सारे देखे होंगे, आई थिंक मैं मान सकता हूँ आपके शायद जानकार मुश्किल से बहुत कम स्टूडेंट लगे होंगे इसमें, बाकी वैकेंसी पूरी इन्होंने करवा दी। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, पहला एग्जाम नॉन टेक लिया, जबकि इन्होंने टेक्निकल लेना है। मतलब कौन सी दुनिया में कहाँ चल रहा है कुछ नहीं पता। अब मैं सपोज करूँ मैं आप लोगों को डॉक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, और आपके एग्जाम ले लूँ, मतलब 10वीं क्लास का नर्सरी का ABCD लिख के दे दो, उसका क्या सेंस है यार। जो चीज़ वहाँ आनी नहीं उसका क्या, मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डाल दूँ आपको, क्या इकोनॉमिक्स में पहले आपको एलिमिनेट करूँगा फिर आपसे नीट दिलवाऊंगा, क्या सेंस है उसका। टेक्निकल एग्जाम तो टेक्निकल हो, मतलब समझ, चलो चलते हैं रेलवे में, वही बाप दादाओं के खानदान के वही नेतागिरी चलती है परिवारवादी रेलवे में। तो उन लोगों को प्री कैसे भी करके निकलवाना था, प्री में जैसे छठवीं हो गई और मेन में फिर पेपर उनको हाथ में पकड़ा दिए, साठ गांठ से हो गए। आपको ऑलरेडी पता होगा टेक्निकल वाले स्टूडेंट मैक्सिमम इसमें प्री में क्वालिफाई नहीं किए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट। रीजन भी था, लोको पायलट के एग्जाम थे, जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो हमारे 2018 का एग्जाम था वो भी ऑलरेडी था, तो उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी नॉन टेक की। फिर आया मेन एग्जाम, अब मेन एग्जाम टेक्निकल का था, अब लोगों से टेक्निकल भी नहीं हुए, मतलब जो टेक्निकल के वो तो छटनी हो गई, जो नॉन टेक की प्रिपरेशन का मतलब थे तो सारे बीटेक के, मगर वो क्या SSC JEE SSC CGL हो गए, बैंक उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे, टेक्निकल उन्होंने नहीं पढ़ा था, पर उन्होंने फॉर्म दिया, प्री निकल गया, मेन का एग्जाम दिया, अब मेन में उनके मार्क्स नहीं आ रहे, मगर कट ऑफ जब रहा है रिजल्ट कट ऑफ लिमिट से ज़्यादा हाई। अब ये कौन सा सिस्टम है, नंबर किसी के आ नहीं रहे और कट ऑफ हाई जा रही है, तो समझ रहे हो ना, बहुत फुल फर्जीवाड़ा हुआ था। और उसी का सबसे बड़ा एक और ये हुआ था कि लोगों के पैसे नहीं आए थे, और जो एजेंसी करवा रही थी उन्होंने बोला था हमने पैसे डाल दिए, तो इनके बीच में जो होते ना घर भर के बर्तन वर्तन फूट गए होंगे आपस में, आरआरबी और जो एग्जाम एजेंसी है कि भाई ऐसे ऐसे पैसे नहीं आए और तुमने पूरे खा लिए, तो उस वजह से इनको कुछ लफड़े की वजह से कुछ लोगों का भला हो रहा है। अब भले में क्या है आप देख सकते हो, लफड़ा इन्होंने और कर दिया, इन्होंने जैसे आप देख सकते हो कैंडिडेट लॉगिन इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी कोड चलो हम लोग जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ चाहे मैं आज हूँ 10 साल हो, 100 साल हो, 60 साल हो, कितने भी साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, मेरी डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी, आप लोगों की भी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इनसे कोई पूछे ये वैकेंसी कब हुई थी, 2003/2018, वो 3/2018, अभी क्या चल रही है 21, प्री में भाई इन्होंने जो एडमिट कार्ड मांगा वो प्री मांगा है, प्री का है जो आपका CVT बन हुआ ना उसका एग्जाम वो एडमिट कार्ड मांगा है। तो एक ध्यान दे लीजिए, जिन लोगों के पास CVT 1 का एडमिट कार्ड होगा उन्हीं का काम होगा इसमें, CVT 2 का काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप सोचो यार, खुद मैं भी या कोई भी सोचो 2018 का एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें प्री में ही हम फेल हो गए,
कौन रखता है उस एडमिट कार्ड को साले को, उसी के दिन उसी में, मतलब समझ रहे हो ना, इतनी ऐसी जगह फेंकते हैं उसको, ऐसी जगह फेंकते हैं कि कहीं मिले भी नहीं, क्योंकि उसको देख के बहुत दुख होता है लोगों को, समझ रहे हो ना। अब भाई एडमिट कार्ड ऐसी जगह फेंक दिया या जो भी है, साल भर रखेगा कि चलो रिफंड आएगा, दो साल रखेगा, तीसरे साल कौन रहेगा, ऊपर से कोरोना का टाइम, लोगों को खुद का होश नहीं रहा इस टाइम, समझ रहे हो ना, तो एडमिट कार्ड का कौन रखेगा जिसको कोई काम भी नहीं आने वाला, रिफंड का भी लोग। अब उसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताए सिर्फ एडमिट कार्ड में आते हैं, रोल नंबर भी चलो एक ले, जैसे किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो फॉर्म भरते टाइम तो वो मिल भी जाए, बाकी बहुत कम स्टूडेंट के पास में मिलेंगे। अब इनको देखिए ऑप्शन, अगर ये रियल में चाहते थे कि हाँ स्टूडेंट का कुछ भला हो, चलो मानता हूँ 250-400 रुपये ज़्यादा नहीं होते, पर चलो काफ़ी होती हैं बेरोजगार स्टूडेंट के, बहुत ज़्यादा हैं ये रुपये, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अब इनको अगर रियल में अगर देना था इनको रिफंड, तो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका नाम ले लेते, फादर नेम लेते, आधार कार्ड ले लेते और डेट ऑफ बर्थ जो भी मैचिंग हो जाती है, सीधा रिफंड के अप्लाई करते करते, पर इन्होंने दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, आधी छटनी इनके यही पैसे बच गए, और बोलने को क्या हो जाएगा, अरे हमने तो दिया था, लोगों ने खुद नहीं अप्लाई किया, तो आप समझ रहे हो ये सब लफड़े। चलो अब इसको जैसे आप, जैसे सपोज करो आपके पास एडमिट कार्ड होगा CVT1 का, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है उनका उनका एक पूरा डिटेल, जो जो आपकी डिटेल मांगी वो पूरा मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जैसे आप, जैसे एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, सारे रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपके एक पेज खुलेगा। अब वो पेज दिखा देता हूँ, देखो इस टाइप का पेज खुलेगा। अब ये तो जैसे उन्होंने क्या किया, जो प्रिंट पूरा डिटेल भरने के बाद फिर प्रिंट का किया। अब इसमें देखिए आपके क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको देखिए सीधा रेफरेंस नंबर आएगा, अब जो आपकी चीज़ आई ये तो आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये चीज़ें आपको फिल करनी है, जो जो इसमें चीज़ आ रही है वो सब आपको फिल करना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा आपके एडमिट कार्ड से, रोल नंबर भी डालना है आपको, आपका फुल नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैटेगरी कितना अमाउंट दिया, आपका आधार नंबर, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका CVT1 कब हुआ था, जो CVT हुआ था ना वन वो कब हुआ था, उसके बाद अकाउंट, जैसे CVT1 हो गया, उसके बाद इन्होंने वो भी मांगा, आई थिंक शिफ्ट का भी मांगा है, शिफ्ट का भी बता रहे थे मुझे, ठीक है वो हो गया। उसके बाद अकाउंट नंबर आपके, जैसे जिस अकाउंट में आपके पैसे आएंगे, अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड हो गया, और नाम हो गया, बैंक हो गया, ये सब चीज़ें इन्होंने डिटेल मांगी है। तो आप आई थिंक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। अब आप लोगों को ये करना है कि थोड़ा अपने घर पर पे सर्च कीजिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेल देखिए या स्क्रीनशॉट देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपको मिल जाए या PDF पड़ी हो तो आप ऐसा करना, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ आप प्रोसेस उसमें डालनी है आपको। आप जैसे ही आप करोगे 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है, सबमिट कर देना, बाकी फिर देखते हैं जिंदे रहे तो शायद जब तक पैसे आ जाएं, बाकी रेलवे महान है ये हमारा, हम सभी को पता है। तो आई होप चलो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 18 को जैसे ही एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं कंटिन्यू ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो लाने का, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी या कुछ चीज़ों के जैसे डाउट सेशन होगा, और मैं वीडियो लेके आऊँगा। देखिए कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम हो गई, उसके अलावा आपकी एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, उसके अलावा जैसे आपके और 2-3 सब्जेक्ट बच गई जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गई, मटेरियल साइंस हो गई, इनके MCQ लेके आऊँगा आप लोगों, जैसे आप लोगों के इन टाइप के क्वेश्चन हो, क्योंकि आप लोगों मशीन पावर सिस्टम EMI बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिक आप लोगों ने रट लिए, इन चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको इन सब्जेक्ट में, तो इनके MCQ में लाऊंगा, और जहां मुझे जरूरत होगी आप लोगों को समझाने की वो चीज़ें समझाऊंगा, बाकी जो आपको सीधा रटना है वो आप रटना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी के रिगार्ड देखिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, उस क्वेश्चन का आप सारी के सभी जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखें कमेंट करना है आपको नीचे जाके, और कमेंट में मैं फिर बताऊंगा आप लोगों का किसका सही है, और मैं उसका नाम भी आप लोगों को जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोगों का नाम भी लूंगा। अब देखिए आप ये क्वेश्चन दे सकते हो, या आप ऑलरेडी सर को जानते होगे, मैं नाम नहीं ले सकता, आप जानते हो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नाम लूँगा तो, वही स्ट्राइक ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना और इसका आंसर क्या होगा मुझे सेंड कर देना कमेंट में नीचे। तो चलो ये ओवरऑल वीडियो थी आप लोगों का, आई थिंक चलो मतलब ठीक है, इतना वो नहीं है, और आप लोगों को हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, आप सभी लोगों को पता है क्लर्क का एग्जाम कैंसिल हो गया 28-29, उसके अलावा शायद 3 या 4 अगस्त ऐसे कुछ है, सितंबर है, सॉरी 28-29 अगस्त और 3-4 सितंबर तक है, तो होप शायद इस टाइम हो जाए एग्ज़ाम, उम्मीद लग रही है कि इस टाइम एग्ज़ाम हो जाएगा, बाकी अगर सितंबर अगस्त में नहीं हुआ तो दोस्तों मैं पर्सनली बोलूँ अगर आप लोगों को कैसा भी लगे फिर पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम होना, क्योंकि सितंबर तक कोरोना के थर्ड वेव का प्रकोप छाने लग जाएगा, ये रियलिटी है, तो एग्ज़ाम तो फिर आप समझते हो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो होप ऐसा कुछ नहीं हो, बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी स्टूडेंट तो आप लोगों को पता है हमेशा पिसते ही रहते हैं, जो पिसने का वो गवर्नमेंट का काम है। तो चलो आप लोगों का आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, और वीडियो को वजह से आप सभी जानती हो शेयर करना है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, अच्छे से रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, टेलीग्राम लिंक है हमारा उसको ज्वाइन करो, आपके डिस्कशन डाउट करो, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता है मैं उनके काफ़ी बार नाम ले चुका हूँ, तो वो लोग आपके डाउट का सेशन का जो आपके डाउट है उनको क्लियर भी करेंगे। तो चलो बाय दोस्तों, आप लोगों को सोचा कुछ चीज़ें वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।